अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमजा अकरी ब्लॉग। तो आज आपको न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज आपको दिखाएंगे वाटरमेलन या तरबूज कह लें या दवाना कह लें, इसकी फसल आपको दिखाएंगे, ये किस तरह लगाते हैं और ये सारा आर्ट आपको दिखाते हैं आज। तो इनसे मिलते भी हैं, ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल हैं? ठीक ठाक हो? बहू जी थोड़ा जहा दसो है दे बारे की लगा रहे हो ते सर? असीं वाटर मेलन यानी कि तरबूज की फसल जो है ना काश कर रहे हैं। ते सब तो पहले असीं पनीरी जरिए ना वो सामने भाई तुसीं देख रहे हो ट्रेवां अंदर से पनीरी नाल तैयार कीती है। ठीक है, तकरीबन 20 तो 25 दिन जरिए ना दी पनीरी है। ठीक है, ते पनीरी तैयार करने तो बाद जनाब असीं छापर देखो शेड ला रहे हैं। ते शेड जरा ना जबकि व्हाइट भी लगा रहे हो? ਭਾਜੀ ਵਾਈਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਬਲੈਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੰਨ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਰਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇੰਗੀਆਂ ਲੱਗਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣੀ ਛਾਪਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲਾ ਛਾਪਾ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਛਾਪੇ ਜੋ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਠੀਕ, सही है। तो ये कब तक तैयार हो जाएगी ये फसल? तकरीबन 90 दिन तक। 90 दिन लगेंगे इसको, यानी कि 3 माह ये तरबूज तैयार हो जाएगा, यानी दवाने दवाने तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, ये प्रोसेस पे लगाए जा रहे हैं, ये वो पौधे लगा रहे हैं, ये उसके बाद इसमें मिट्टी डाल के इसको मजबूत कर रहे हैं। ये छापर इन्होंने पहले डाला हुआ है, उसके बाद ये एक तार है ये लगाते हैं दोनों साइड पे, इसको कर्व करके इसके ऊपर ये छापर बांध देते हैं। इससे फिर जो ये सर्दी हैं तो इससे सर्दी से ना ये पौधा महफूज रहता है। तो यही सारा प्रोसेस होता है इसको सर्दियों में, जो फसल लगाते हैं ना सब्ज़ी हो या जो भी हो, तो इससे ये महफूज रहती है। तो ये इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे जब ये रेडी हो जाएंगे। 90 दिन लगने हैं इसको, तकरीबन 3 मंथ ये तरबूज तैयार होने में। तो ये दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।